हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एचएसवारी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एमआई A3 मोबाइल फ़ोन में कैसे चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी ऐप बैकग्राउंड में रन कर रही है। मींस आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, आपने यहाँ पे खोल भी नहीं रखा, कहीं पे आपका खुला भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो बैकग्राउंड में रन कर रही है। अगर आप जानना चाहते हो अपने एमआई A3 मोबाइल फ़ोन में कि कौन कौन सी ऐप रन कर रही है, आप अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ अपना मिनिमाइज करके, तो मेरा ओनली यहाँ पे सेटिंग्स खुला हुआ है और सेटिंग्स के अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी ऐप नहीं खुला हुआ। लेकिन अभी मैं आपको जाके दिखाऊंगा कि मेरे बैकग्राउंड में कौन कौन सी ऐप रन कर रही है, तो आप समझ सकते हो इसको। तो चलिए, मैं ये वीडियो एमआई A3 मोबाइल फ़ोन में बना रहा हूँ, उसके लिए सेटिंग्स में जाके अबाउट फ़ोन में आप देख सकते हो यहाँ पे एमआई A3 मोबाइल फ़ोन है। सो बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा दोस्तों डेवलपर ऑप्शन में, उसके लिए जाना होगा आपको अबाउट फ़ोन में। आप देख सकते हो सबसे लास्ट ऑप्शन अबाउट फ़ोन है, उसका बिल नंबर आप देख सकते हो सबसे लास्ट में बिल नंबर है, इसके ऊपर 7-8 बार क्लिक करना होगा। जो सबसे लास्ट ऑप्शन है, 7-8 बार जैसे आप क्लिक करोगे तो एक डेवलपर ऑप्शन होता है, वो आपका खुल इनेबल हो जाएगा। खुलेगा तो कहीं और जाके खोलना होगा आपको, लेकिन वो इनेबल हो जाएगा, वो फंक्शन वहाँ पर आ जाएगा। तो बेसिकली आपको इसके ऊपर 7-8 बार ऐसे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी इनेबल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे ये मैसेज भी आ रहा है कि नो नीड यू आर ऑलरेडी डेवलपर। तो आप फर्स्ट टाइम करोगे तो इसके ऊपर 7-8 बार क्लिक करोगे तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना होगा, आपको एक स्टेप बैक आना है और सेटिंग्स में यहाँ पर सिस्टम आप देख सकते हो, यहाँ पर सिस्टम है, इसमें जाना होगा। इसमें जाने के बाद ये जो लास्ट ऑप्शन है एडवांस, इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे ये डेवलपर ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपने उधर से इनेबल किया। अगर उधर से इनेबल नहीं किया तो यहाँ पे ये आपको नहीं मिलेगा। तो ये डेवलपर ऑप्शन में बेसिकली जाना है आपको, और यहाँ पे एक ये थोड़ा नीचे आओगे तो रनिंग सर्विस करके मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ रनिंग सर्विस के ऊपर, इसको खोल लीजिए। इसमें आपको यहाँ पे ऐप्स मिलेगी जो अभी रन कर रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे नीचे आप देख सकते हो कीबोर्ड है, क्या मैं अभी कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं अभी कीबोर्ड मेरा नहीं खुला हुआ, लेकिन फिर भी वो मेरा रैम यूज़ कर रहा है, रनिंग कर रहा है। आप देख सकते हो एक प्रोसेसर, एक सर्विस यूज़ कर रहा है वो, और ऐसी कुछ और ऐप भी है जो आप यूज़ नहीं करते लेकिन वो बैकग्राउंड में रन करती है। तो आप इनको यहाँ पे जाके आप चाहो तो इनको फोर्स स्टॉप भी कर सकते हो। तो बेसिकली आपको पता चल जाएगा आपका बैकग्राउंड में कौन कौन सी ऐप चल रही है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।